बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदरी मार्केट आए हुए थे, यहाँ पर एक लड़के से मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। सलमान, ये जो बेच रहे हो चीजें, इसके अंदर तुम्हें क्या बच जाता है? कितनी बचत हो जाती है? 300-500 रुपए बस। 300 रुपए बच जाते हैं पर डे, यानी 9000 रुपए। तालीम क्या है तुम्हारी? मैं ऑटो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा था। इंजीनियरिंग, अच्छा। ये रिहाइश किस इलाके में? यूपी मोड़ पे है। देखें, ये चीज थी जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऑटो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करके, यानी एसोसिएट इंजीनियर जो है वो कराची में, इसको क्या बोलते हैं? ये कैरी है? कैरी है। ये कैरी है, ये फालसा है, ये इमली है, ये बेच रहे हैं। ये हालात है, रोजगारी नहीं है। आज ईद की चांद रात होती है, अगर चांद हो जाता है सऊदीया में, कल ईद है। घर में कितने लोग हैं आपके? 5 बच्चे हैं, अम्मी है, बीवी। आप लोग? ये 7 अफराद। घर अपना है, रेंट का है? रेंट का। क्या रेंट है घर का? इस टाइम पे 18000 का रेंट। तो जब आप 9000 का महीना कमाते हो तो 18000 रेंट कैसे देते हो? अल्लाह पाक को चला रहा है। बच्चों को शॉपिंग वॉपिंग कराई थी? मतलब कुछ नहीं। ये टोटल सामान कितने का इसके अंदर जो पड़ा हुआ है? तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपए। 2.5 हज़ार रुपए का ये सामान। मैं आपसे 5000 रुपए खरीद रहा हूँ, आज आपको शॉपिंग करा रहा हूँ। आज ये मैं 2.5 हज़ार का सामान था, ये 5000 रुपए पकड़े और ये सामान यहाँ लोगों को गिफ्ट कर दें, बांट दे जल्दी, ताकि आपको शॉपिंग कराऊँ जल्दी से। खाली करें इसको। ये लो मुन्ने, इधर आओ। ये लो, इधर आओ। ये लो, ये लो, ये लो भाई, आ जाओ आ जाओ। और किसको चाहिए? ये ले भाई, गिफ्ट है। ये ले भाई, ये ले, जल्दी से खाली करो, केला खाली करो जल्दी से। आपको जो अच्छी से अच्छी चीज देनी हो आप ले लें। मैं इन भाई से पूछ रहा था कि भाई आपको कोई एतराज तो नहीं? हम ये वीडियो बना के लोगों को दिखा रहे हैं, कोई एतराज दिखा दे। मैंने इनको अभी ओपन कराया कि जो लेना है, जितना लेना है लो खरीदो। हम हैदरी में मौजूद हैं। देखिए, अभी हम जा रहे थे इन भाई को शॉपिंग कराने के लिए, हम यहाँ पहुंचे हैं। छोटा सा बच्चा है ये यहाँ पर बेटा। ये सारा हलीम कितने का है जो उसमें बचा है? 1200। ये सारा हलीम दे दो और आप हमारे साथ आ जाओ, आपको शॉपिंग कराते हैं। कितने बहन भाई हो? 5। आप अकेले बेचते हो सारा? जी, मामू भी बेचते हैं। मामू भी बेचते हैं। आ जाए आ जाए, आपको इतनी शॉपिंग कराने, सारा पैक करवा दे भाई। सही है, आओ आओ। 1200 रुपए दो। ये इनको 1200 रुपए का हलीम इन्होंने बोला, ये 1200 रुपए इनको दे दिया। अब आप ये सारा हलीम जो बना के जो लोग शॉपिंग कराएं इनको खिला दो फ्री में। इसमें लग रहा है, मैं इस बच्चे को लेके जा रहा हूँ, इसको शॉपिंग करा के लेके आ रहा हूँ। सही है, ठीक है। हम अभी यहाँ पहुंचे, इन बच्चों को सबको शॉपिंग कराने जा रहे थे। एक छोटी सी गुड़िया यहाँ बैठी हुई है हैदरी मार्केट में। क्या नाम है गुड़िया आपका? रुबाब नाज। क्या बेच रही हो? कितने की है ये? 1.50 की। 1.30 की है और 2.50 की है। और ये पर्स कितने कितने प्यारे प्यारे? 300 रुपए का एक पर्स, 300 रुपए का है। ठीक है, गिनो ये सारे पर्स, गिनो भाई, इधर आओ सज्जाद, ये सारे पर्स गिनो जी भाई जी। ये सारे पर्स गिनो और ये सारे पर्स गिनो बेटा। ये सारी कितने की है? पूरी पूरी ट्रे कितने की? और भी है। ये कितने की है सारी? गिनो। हाँ, 23 पर्स है ना, 23 पर्स मल्टीप्लायर है 300 करो। बच्ची ने बोला बेटा कितने के हिसाब से? 2 कितने की है? 50 की। ये हो गया आपके तकरीबन 1600 रुपए, ये पकड़ो आप 2000 रुपए इसके। अच्छा, ये पर्स कितने के बेटा? 300। नहीं, ये टोटल कितने के हो गए? लगाओ कितने पर्स? 23 पर्स है, 300 के साथ 6900 रुपए हो गए। लाओ 6900 रुपए पर्स हो गए। ये लो 7000 रुपए सारे पर्स के भाई। ये सारे पर्स ले लो, गरीब बच्चियों को दे दो। तुमने ईद की शॉपिंग की है? आ जाओ खड़ी हो जाओ। कौन सी दुकान से करनी है? और कितने महीने करो? क्या बेटा होगा? एक सेकंड, आए इधर आओ, इधर आओ। और कौन सा भाई है तुम्हारा? बुलाओ जल्दी बुलाओ। तुम भी बेचते हो? बाजी को क्यों बैठा हुआ था? तुम भी नहीं बैठे हुए थे? मैं उस तरह बैठा हूँ। तुम भी वहाँ बैठे हो, तुम्हारे पास भी सामान है? कौन सी क्लास में? अच्छा, माशाल्लाह। कहाँ है तुम्हारा भाई? मिल जाएगा। चलो भी आ गए तुम दोनों। ठीक है, तुम दोनों भी यहीं बेच रहे थे। क्या है तुम्हारा सामान? रखा मैंने, सेव है ना। अच्छा, आपने ये सामान जो ये दे दें, चलो किसी के पास रखवा दो या तो हाँ रखवाओ गार्ड। ये देखिए, इतना सा बच्चा है, छोटा सा कह रहा है, गार्ड के पास रखवा देता हूँ। देख रहे हैं आप, ये किस इलाके में रहती हो? औरंगी से आते हो? अकेले आते हो? अबू भी बेच रहे हैं। चलो अबू को पहनने दें, हम तो बच्चों को शॉपिंग कराएंगे ना। चलें चलें, अब्बा अलग बेच रहे हैं, चल रहे हैं। किस ब्रांड के कपड़े लोगी बताओ? सबसे महंगा ब्रांड कौन सा है?
नहीं नहीं तुम बताओ सबसे महंगा ब्रांड कौन सा है, किसके लोगे? अरे सहमा तो मार्केट का नाम है, तुम किस ब्रांड के लोगे? और बोले भाई कहेंगे बच्चों के दिलाने हैं टीवी के, सही है, चलें चलें उनको लेकर चल रहे हैं तमाम बच्चों को, देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, ईद की इनकी भी तो खुशियां हैं। आओ चलो 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 चलो, आपकी हम आपकी अम्मा का भी दिलाएंगे अब्बा का भी दिलाएंगे, पेंशन भी ले रही हो भाई हमारे पास गवर्नमेंट दे दी, फिर मैं आपके पापा खड़े हो गया आपके कैंप पे खड़े हो गया। देखिए हम ये डायलर्स पे आ चुके हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चले चलो आ जाओ भाई आ जाओ यार, एक बंदा दे दे शॉपिंग कराने बच्चों, यार एक बंदा दे दो अपना बच्चों को शॉपिंग करा दे, यार इन बच्चों को शॉपिंग करा दे, आ जाओ बच्चों आ जाओ आ जाओ भाई। और इससे ऊपर कोई ब्रांड है बता दो, बहुत शुक्रिया बहन बहुत शुक्रिया बहन, इन बच्चों को शॉपिंग करना है, कितनी बहन है तुम्हारी? इसकी एक बड़ी बहन है उसके साइज का और इनके साइज के कपड़े दें, जाओ दो दो जोड़े देते हैं अच्छे वाले, और बच्चों को कौन देगा? आओ इधर आओ, तुम्हारे और कितने भाई कितने तुम्हारे? बस यही दो हैं, और तुम्हारे कितनी बहनें? दो। उम्र क्या है? एज क्या है बहन, कितनी बड़ी है, हाइट से बता सकते हो अंदाजा? दोनों इतनी बड़ी हैं। अच्छा इसका भी इशारा दे, आपकी बच्चियां कितनी है, बेटियां कितनी है? एक बेटी है चार बेटे हैं। बेटी की एज क्या है? 18 16 साल। हां 16 साल वाली बच्ची को यही मिलेगा ना बहन, 16 साल वाली बच्ची का यही मिलेगा, ले ले। और बाकी बच्चे कितने बड़े हैं? 10 साल का 8 साल का बच्चों का, नीचे 3 साल और 2 साल। चलो आ जाओ आप फिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? कैसी हुई? 4 से 5 साल ना, दो ये देखो बड़ा फैंसी है, ये आ जाएगा 9 या 10 में लगने वाला। 10 साल बोल रहा है ये बेटा, हाइट कितनी है सही सही बताओ? इतनी बड़ी है, बस आप दे दो ड्रोन का, मेरे को दे दो इधर आओ, तुम्हें बास्केट लेनी है तो ले, टमाटर है कौन सा कलर पसंद आ रहे हो तो बेटा, इसमें तुम्हारे अब्बा आ जाएंगे तुम्हारे साइज की, इधर है 18 साइज नहीं इसके ऊपर, रुक जाओ यार, इस कुर्ते में बास्केट कौन सी अच्छी लगेगी इसके दोनों कलरों का? बस ये अच्छी लगेगी, इसके बड़े का उठेगी, ये दो ये देखो पहनोगे बास्केट पहनोगे? एक में क्या भाई, आपने अपने बच्चियों का ले लिया सबका ले लिया, बच्चों का ले लिया सबका सूट ले लिया, गिफ्ट है ये गिफ्ट है, आप मेरे भाई हैं उस ऐसे अपना और बीवी का लिया अभी ले लें बेटी, आपकी बहनों का हो गया, बड़ी बहनों का हो गया दो सूट, आपके हो गए दो दो सूट, गुड है। तुम्हारे 1.5 साल वाले भाई का, 5 साल वाले भाई का, बहनों का, अपना सबके दो दो सूट ले लिए, कोई बचा तो नहीं है? आपने अपना दो दो सूट ले लिए, बास्केट का है सही है सही है सही कर जाएगा, ठीक है देखें ये देखें कितनी खूबसूरत बास्केट इसने निकाली अपने लिए, कितने सूट लिए अपने लिए बास्केट, गुड है शाबाश। देखें भाई इन लोगों की शानदार किस्म की शॉपिंग हो चुकी है, आप अपना अपनी मिसेज के जल्दी से निकाल लें, ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा मैसेज था आप सबको दिखाने के लिए, ये हमारे डाइनर्स वाले भाई को डिस्काउंट दे रहे हैं जी सर, बिल्कुल 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, देखें क्या कमाल है यार, 30% डिस्काउंट बड़ी बात है, मैं डाइनर्स आपका शुक्रिया अदा करूंगा, अल्लाह ताला आपके कारोबार में और बरकत दे। समझाना क्या है वो समझिए, वो मेरा भाई जो अभी गया है वो कौन सा इंजीनियरिंग था, डिप्लोमा किसमें किया था? ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ये बच्ची किस क्लास में हो? 5 क्लास में। अब तक ईद के कपड़े क्यों नहीं खरीदे थे? कोई बात नहीं। ये छोटा सा बच्चा हलीम बेच रहा है, सही है? एज कितनी तुम्हारी, उम्र कितनी है? 13 साल। नई कराची से आगे हलीम बेच रहा है, इतनी सी एज में जब सारे बच्चे ईद की खुशियां मना रहे हैं, ये टिकिया बेच रहे हैं, ये पर्स बेच रहे हैं, औरंगी टाउन से आ गए दोनों भाई हैं इसके, और इनकी बड़ी बहन घर में थी, सबको पूरी मुकम्मल शॉपिंग करा दी है। अच्छा आ गया है, आ गया है भाईजान, कोई मैसेज जो देना चाहें लोगों को, देख रहा हूँ मेरी तरह लाखों लोग हैं जो अपने बच्चों को ईद नहीं मना पा रहे हैं और कपड़े नहीं दिला पा रहे हैं, तो कराची वालों को सोचना चाहिए कि उनके लिए कुछ करें। नहीं इंशाल्लाह आप ईद मनाएंगे इंशाल्लाह, और बाकी सब भी सोचेंगे इंशाल्लाह। गुड़िया क्या मैसेज दोगी? थैंक यू, मैं भी ईद मना रखती हूं। ये तुम बनाओगी हर दफा ही बनाओगी कि नहीं बनाओगी? क्या मैसेज होगा मुन्ने? थैंक यू, मैं ईद मनाऊंगा इंशाल्लाह। आप भी मैसेज देंगे? हाँ मेरे पास में कपड़े थे, मैं सोचा इस बार ईद नहीं मनाऊंगा। अरे तू बनाएगा हमेशा। हाँ भाई खुश हो, ईद मनाओगे ना? शाबाश खुश रहे। बस छोटा सा मैसेज था, और मैं आपको एक और चीज दिखा दूँ, बच्चों की चप्पलें देख लें, सब बच्चों की चप्पलें देख लें, मैं इन सब बच्चों को इनकी चप्पलें बल्कि दिला देता हूँ, आज वो भी आपको दिखाता हूँ। कितने का भैया? 97,600। अच्छा ओ, 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 और बगैर डिस्काउंट के कितना था? सबसे
कितने परसेंट डिस्काउंट दिया आपने? 30% यानी तकरीबन 1,20,000 का बिल, 1,30,000 का बिल है ना। चले मैं आपको कितना दूं? 97,600 80,000 ये ले, 1,00,000 का स्क्रीन आप देखे। अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ देख रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक साहब अपनी फैमिली के साथ आए, उन्होंने शॉपिंग की और पेमेंट किसके मुंह पे मारी थी? किसी उन्होंने इनके मुंह पे मारी यार। लेकिन इस बंदे का जर्फ है यार, इसने मुझे इतना जहर लगाई अंदाज के यार, नौकरी कर रहा है यार, आपने अपने बच्चों के लिए इतनी शॉपिंग की है, अपनी फैमिली के लिए की है, आप सिर्फ इसलिए कि आपकी फैमिली खुश हो जाए देख के आपने बड़ी कमाल तरीके से पेमेंट किसके मुंह पे पैसे खींच के मारे। यार मैं शर्मिंदा हूँ यार, मैं यहाँ खड़ा था, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने कहा यार क्या करता है यार, लेकिन आपका जर्फ है यार, खुद आपको बहुत इज्जत देगा यार, खुश रहे यार। चले भाई थैंक यू यार, डैनियल वालों आपका शुक्रिया, आपने 30% डिस्काउंट दिया, मेरे भाइयों खुश हो, खुश है, आ जाए इनको जूते दिलाते। थैंक यू, ये देख लें भाई कितने आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल हैं और माशाल्लाह से इन बच्चों के 44 आर्टिकल्स थे, 44 आर्टिकल है सही ना। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है भाई, बच्चों को जूते दिलाने जा रहे हैं, खुश हो, आते रहो गुड़िया, आते रहो। थैंक यू। ठीक है, इन बच्चों की कपड़ों की हो गई है खरीदारी, अब इनको दिलाने जा रहे हैं चप्पल जूते, आ जाओ, आ जाए, आ जाए, जल्दी से लो, दुकान बंद होने वाली है। शाबाश 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 बेटा, किसकी चप्पल है? अब बोलो तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है इसमें? सैंडल पहनोगी हील वाली? हाँ जाती हो, क्या पहनोगी ये बताओ? ये क्या पंपी कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? तुम्हारे कपड़े किस कलर के ये बताइए। लो ग्रीन है और रेड है, ये लो, ये अच्छी लग रही है तुम्हें, ये लो, ये इसका साइज निकालो, पूरा इसका साइज निकालो, ग्रीन वाली की भी ले लो तुम यार, ग्रीन वाली की कैसे होगी, गोल्डन ले लो, गोल्डन चलो, ये पसंद आ रही है तुम्हें? नहीं नहीं होगा, इसमें होगा साइज, इसमें इसमें जी, बच्ची के साइज का जाओ बैठो, जल्दी जाओ, अभी जाओ, मुनीश यार ये भी सारी बाहर का ले भाई से, पूरा जल्दी शॉप पे आ। हमने कपड़ों के बाद एक दुकान खोली में मिली थी, जरा आप अपनी मर्जी की ले ली आपने, लेदर की सैंडल दिखा दी मैं, दिखा दे कैसी है, खुश है बेटा, आपको पसंद आया जूता? अच्छा ये जो आपके बच्चों को अब आपने जूते दिलाने, ये उसके 10,000 रुपए, ये समझिए एक तरह से ईदी गिफ्ट है। अच्छा आपको बेटा ये पसंद आ गए, आपके अब कौन रह गया घर में? एक बहन रह गई खाली और अम्मी रह गई, ये लो उनको ये इसमें से दिला देना। आपको बेटा पसंद आ गया? आपको पसंद आ गया? आपके घर में कितने लोग रह गए? और बहन रह गई और छोटा भाई है और वो, ये लो 10,000 रुपये, इनकी इतनी खुशियां पूरी हो गई हैं आपकी मदद से। आप लोग जो जेडीसी पर भरोसा करते हैं, इसका जो भी अगर कोई 1% भी सवाब होगा वो आप सबको मिलेगा, जो जेडीसी पर भरोसा करते हैं, जेडीसी के साथ जुड़े हैं। लेकिन मैसेज फिर वही है, अपने खानदान बरादरी का जरूर ख्याल रखें, बैरून ममालिक में पाकिस्तानी देख लें यार। ये कितने साल पहले इंजीनियरिंग की थी, कितना अर्सा हो गया? 2012 में की, ठीक है 2012 का एसोसिएट इंजीनियर है और आपके सामने कोई काम नहीं है तो बेचारा सब चीजें बेच रहा है। ये सब मासूम बच्चे हैं, इनकी भी तो ईद है ना, और ये क्या कर रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं और रात के 4-4 बजे मार्केटों में बैठे हुए बेच रहे हैं, इनकी ईद तो अच्छी हो गई इंशाल्लाह। आइडिया आप तक पहुंचा दिया, एक दिन बाकी है, खानदान के गरीबों को ढूंढ के, खानदान के जरूरतमंदों को ढूंढ के, और गरीब वो नहीं होता कि वो जो चरपाई पे सो रहा होगा या वो उसके घर में छत नहीं होगी, नहीं, मिडिल क्लास फैमिलीज तबाह हो चुकी हैं इस महंगाई में, जरूर याद रखिए, अल्लाह ताला इसका आपको जवाब देगा।